क्लास फिफ्थ पोएम नंबर सेकेंड इज द फॉक्स वेडिंग। फॉक्स की वेडिंग, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी की शादी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोएम आपको दे रखी है, एक एनिमल है जो है फॉक्स, लोमड़ी, और उसकी शादी है। तो यहाँ से पोएम से ही पता लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है। एंड देयर विल बी सो मैनी एनिमल्स, जैकल, हैना, लॉयन, क्रोकोडाइल, मंकी एट्सेट्रा, हु आर कमिंग टू दिस मैरिज एंड एन्जॉइंग द पार्टी। एज यू नो दैट मैनी गेस्ट कम इन दिस इवेंट एंड दे ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम। तो यहाँ पे ब्राइड कौन है? फॉक्स है, और उसका जो ग्रूम है, उसका जो दूल्हा है, वो भी क्या है? एक फॉक्स है। तो यहाँ पे जो भी गेस्ट आएंगे वो क्या लेकर आएंगे? गिफ्ट्स लेकर आएंगे, और हमें देखना है वो क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आते हैं, कितने एक्साइटिंग गिफ्ट्स लेकर आते हैं। द क्लाउड इज ड्रॉपिंग इट्स रेन इन द सन फॉर द फॉक्स वेडिंग हैज़ जस्ट बिगन। कह रहे लोमड़ी की शादी के लिए जो बादल हैं वो नीचे आ गए हैं और बारिश हो रही है। फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड। कह रहे यहाँ पे जो लोमड़ा है, जो लोमड़ी लोमड़ा है वो और उसकी ब्राइड, उसकी दुल्हन लोमड़ी के लिए फॉरेस्ट से लेकर प्लेन एरिया से लेकर माउंटेन तक सभी जो भी गेस्ट हैं वो गिफ्ट्स लेकर आए हैं। जिनके लिए ब्राइड और ये कौन है? ब्राइड दुल्हन, और ये कौन है? ग्रूम दूल्हा। तो दूल्हा दुल्हन के लिए जो गेस्ट हैं वो गिफ्ट्स लेकर आए हैं। हेयर कम्स द फर्स्ट अ ग्रीनिंग हैना। सबसे पहले यहाँ पर है अ ग्रीनिंग हैना। ग्रीनिंग होता है स्माइलिंग, हंसता हुआ। हैना मतलब होता है लकड़बग्गा। सबसे पहले जो शादी में आया वो आया एक हंसता हुआ लकड़बग्गा। हु ब्रिंग्स अ चार्मिंग बाउल फ्रॉम चाइना, जो कि एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा दिखने वाला चाइना से एक बाउल लेकर आया है, एक कटोरा लेकर आया है गिफ्ट्स में। हेयर कम्स द सेकेंड, दूसरे नंबर पे आया है अ लॉयन बोल्ड। लॉयन को बहुत बोल्ड कहा जाता है, वो डरता नहीं है किसी से। हूज गिफ्ट इज़ अ मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड, जिसका जो मिरर है, जिसके हाथ में जो गिफ्ट है वो एक मिरर है जो कि अफ्रीकन गोल्ड का बना हुआ है। हेयर कम्स द थर्ड, तीसरे नंबर पे आया एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ, हूज गिफ्ट इज़ अ सिल्वर कप फ्रॉम द नाइल, जो कि नाइल किनारे से एक सिल्वर कलर का कप लेकर आया है। हेयर कम्स द फोर्थ नंबर पे आया है अ लॉन्ग नेक्ड कैमल, एक लंबी नेक वाला, गर्दन वाला एक ऊंट, हूज गिफ्ट इज़ अ कास्केट, जिसका कि गिफ्ट है वो कास्केट है, यानी एक पिटारा है ऑफ इंडियन एनिमल। एनिमल मतलब कि ग्लासी डेकोरेशन ऑन मेटल, मेटल के ऊपर डेकोरेशन, इसके ऊपर डेकोरेशन हुई हुई है। हेयर कम्स द फिफ्थ नंबर पे आया है अ मंकी हु राइड्स, एक बंदर जो कि लिखता है। हिज गिफ्ट इज़ अ बुक, उसका जो तोहफा है वो एक किताब है, द अरेबियन नाइट्स। बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स बहुत ही फेमस बुक है। हेयर कम्स द सिक्स, छठे नंबर पे जो आया है अ शी वॉल्फ वेन, एक व्यर्थ में ही एक वॉल्फ, शी वॉल्फ आ गई है। हु ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम स्पेन, जो कि दुल्हन के लिए स्पेन से एक स्कार्फ लेकर आई है। नेक्स्ट, हेयर कम्स द सेवेंथ नंबर पे आया है एक पोलर बियर, हूज गिफ्ट इज़ अ ब्यूटिफुल रशियन चेयर, जिसकी एक जो तोहफा है वो एक बहुत ही सुंदर रशिया की एक चेयर है। हेयर कम्स द एट्थ नंबर पे आया है टू द फॉक्स मैरिज, लोमड़ी की शादी में, अ हॉर्स हु हैज़ ब्रॉट हिम अ फाइव व्हील्ड कैरिज, एक घोड़ा जो कि
पांच व्हील वाला, पांच पहियों वाला एक कैरिज लेकर आया है। तो ये दुल्हन के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए होगा। हेयर कम्स द नाइन्थ, नाइन्थ नंबर पे आया है ए जैकल हु ब्रिंग्स द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम टू डायमंड्स रिंग। एक सियार आया है जो कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए दो डायमंड की रिंग लेकर आया है। तो देख लो, डायमंड की रिंग। हेयर कम्स द टेंथ, टेंथ नंबर पे आया है इफ़ यू प्लीज अन इन्वाइटेड, जिसे इन्वाइट ही नहीं किया गया। कौन आया है? ये मैन आया है। द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड, और जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इसे देखकर। ही कम्स फ्रॉम समवेयर, ये कहीं से आया है, नहीं पता कहाँ से आया। एंड टीचिंग जूलॉजी, ये जूलॉजी एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाता है। जूलॉजी होता है जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाता है। वट इज़ हिज गिफ्ट, इसका तोहफा क्या है। एन एम्प्टी अपोलॉजी, एक खाली सॉरी लेकर आया है। नेक्स्ट, बट वाई हैज़ ही कम टू द फॉक्स फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दावत। ये जो आया है व्यक्ति, ये आया ही क्यों है फॉक्स की, लोमड़ी की दावत में। इट इज़ मोस्ट इन इल मैनर्ड, क्या है ये, बैड बिहेवियर है, बैड मैनर्स है, टू से द लीस्ट, कम से कम कहना, मतलब इसके बारे में कुछ ना बताया जाए वो कहना बहुत ही बैड मैनर्स है। या फिर हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि जो आदमी आया है वो बिना इनविटेशन के आ गया है, वो भी बैड मैनर्स है। द फॉक्स देन एड्रेस द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, फिर उसके बाद फॉक्स ने, लोमड़े ने एड्रेस करवाया, मिलवाया द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, जो भी गेस्ट वहाँ पर थे उनसे, उस व्यक्ति को। लेट अस बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्लीजेंट, उसने कहा कि हम सब इसके साथ फ्रेंडली रहते हैं, मिलकर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेट अस बी सिविल, सिविल मतलब पोलाइट, हम पोलाइट रहते हैं। एंड नॉट मेक अ फस, और अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करते, मतलब बेकार की बातें नहीं करते। सिंस मैन आफ्टर ऑल इज़ अ बीस्ट लाइक अस, यहाँ क्योंकि जो मैन है, जो व्यक्ति है, वो भी तो हमारे तरह एक वन्य प्राणी है। द गेस्ट ऑफ अ सडन, जो भी गेस्ट थे अचानक से, सीज टू कम्प्लेन, उन्होंने अपनी जो भी कंप्लेन थी उन्हें समाप्त कर दिया। पहले जो वो बातें कर रहे थे, ये आदमी कहाँ से आ गए, तो बड़े बैड बिहेवियर है, इसका यहाँ पे क्या काम है, तो ये सब उन्होंने करना सीज्ड यानी समाप्त कर दिया। द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगॉट टू रेन, और बादलों ने भी अचानक से बारिश करना छोड़ दिया या भूल गए। द सन केम आउट, सूरज बाहर आ गया, बोथ के एंड स्प्लेंडेड, बहुत ही देखकर बहुत ही अच्छा, चमकदार और बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। द फॉक्स वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड, और फिर जो लोमड़ी की जो शादी थी वो खुशी से ख़त्म हो गई। हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने ये पोएम लिखी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे पोएम थी एनिमल्स की, और यहाँ पे बताया है एक कि चाहे मैन हो चाहे एनिमल्स हो, ये है बीस्ट। तो जब एनिमल्स अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, तो ह्यूमन बीइंग को भी इनके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए।